जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बेरोजगारी देश में बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और सरकार बेरोजगारी की समस्या से पूरी तरह हार मान चुकी है, या फिर कहे तो सरकार युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती। साथियों, देश बर्बादी कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि जिसके हाथ में हमने देश की सत्ता सौंपी थी उससे देश नहीं संभल रहा। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे लॉकडाउन हो। देश की अर्थव्यवस्था की इन्होंने कमर तोड़कर रख दी है। आज देश की GDP -23.9% है। आज देश में पूंजीपतियों और नेताओं के अलावा देश का हर एक वर्ग परेशान है। आज देश का छात्र और किसान बर्बादी कगार पर है। कितनों ने तो जिंदगी से हार मानकर आत्महत्या कर ली। किसान जो देश के लिए अन्न उगाता है, और देश का युवा जो देश का भविष्य है, वो आज सबसे ज़्यादा निराश और हताश है, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लड़के 28 के 30 के हो चुके हैं और उनके पास कमाई का एक रुपया नहीं है। वो आज भी बाप की दी गई रोटियां उतारने को मजबूर हैं। उम्र गुजर जा रही है, वो शादी नहीं कर रहे हैं इस आस में कि नौकरी मिलेगी, अपना परिवार बसाएंगे, माँ बाप का बोझ कम करेंगे और जिम्मेदारी अपने सर पर लेंगे। लेकिन हम अपने सपनों को अपनी आंखों से टूटता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी उम्मीदों से माँ बाप ने हमें पढ़ाया है। माँ बाप के खून पसीनों का पैसा हमारे पढ़ाई पर लगा है। हमने यूं ही नहीं 17 सालों तक किताबों की बोझ अपने कंधों पर ढोया है। हमने यूं ही नहीं दिन रात मेहनत कर इतनी डिग्रियां ली हैं। लेकिन आज हमारे देश का सिस्टम और मैनेजमेंट ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सारी सरकारें युवाओं को रोजगार, शिक्षा, गरीब हटाने के नाम पर वोट मांगती है और सत्ता में आ भी जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ, आपके किए गए वादों को जल्द पूरा करें। आपने कहा था पहले ही साल 5 लाख नौकरियां दी जाएगी। आपने कहा था बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आपने कहा था साल में 2 बार JPSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपने कहा था निजी कंपनियों में भी 75% स्थानीय को आरक्षण मिलेगा। आपने कहा था 1932 खतियान आधारित स्थान नीति बनाई जाएगी। अभी भी वक्त है जनता से किए गए वादों को पूरा करने का, नहीं तो आपकी भी गिनती उन बेशर्म नेताओं की तरह होगी जैसे कि देश में सब नेता घूम रहे हैं। आपसे विनती है, कृपया आदिवासी मुख्यमंत्री होने का लाज बचा लीजिए। धन्यवाद।